चौक स्थित रमाबाई आंबेडकर बाड़ा भाऊपेट मराठी हिंदी उच्च प्राथमिक विद्यालय में नागपुर पुलिस द्वारा जब्त की गई प्लास्टिक की पतंगे और नायलॉन मांजा रखा गया है। मात्र अब इस मुद्देमाल पर किसी का भी ध्यान नहीं है, जिस कारण ये नायलॉन चकरिया फिर से चोरी हो रही है। अब शासन द्वारा जब्त मुद्देमाल के प्रति शासन ही लापरवाह है, तब हम क्या ही कहें। मैं सुशांत गणवीर, उत्तर नागपुर युवक कांग्रेस सरचिटनीस। यहाँ 8 से 10 दिनों से जो प्रशासकीय जिला प्रशासकीय अधिकारी, NMC अधिकारी और पुलिस प्रशासन, इनकी रात दिन की मेहनत करते हुए, इन्होंने कड़ी से कड़ी मेहनत करते हुए नायलॉन मांजा प्लास्टिक की पतंगे ये जब्त की गई थी। वो सारा जो मटेरियल है नायलॉन मांजा पतंगे वो यहाँ रखी गई थी स्कूल में। यहाँ स्कूल में रखने के बाद अभी कुछ दिन, स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम है बाड़ा भाऊ पेट हिंदी उच्च प्राथमिक शाला, कमाल चौक श्रुतिका गुरु के सामने। तो हमने कुछ दिन पूर्व हमें ऐसा जानकारी मिला कि यहाँ सर चोरियाँ हो रही है, नायलॉन मांजे लेके जा रहे हैं। तो हमने इसकी इत्तिला हमारे आशीनगर जोन क्रमांक 9 के हरीश राउत सर को इसकी इत्तिला की। हमने संजय सोनोने, NDS के संजय सोनोने सर को इत्तिला की कि सर यहाँ से नायलॉन मांजे की चकरिया चोरी हो रही है, यहाँ से पतंगे चोरी हो रही है, आप इसके ऊपर कुछ कार्रवाई कीजिए, इसको सिक्योरिटी कुछ दीजिए, इसमें सील कुछ दीजिए, यहाँ कुछ चौकीदार लगाइए, यहाँ CCTV फुटेज लगाइए। इन्होंने पूरा का पूरा भार पुलिस पे दे दिया। ये बोलते हैं कि हमने पुलिस को इत्तिला कर दिया है, अब पुलिस संभालेगी। NMC का कोई भी गार्ड नहीं है यहाँ? कोई NMC का गार्ड नहीं है, ना ही फुटेज है। हमें ये गलती पूरी हरीश राउत साहब की लग रही है। हरीश राउत साहब का यहाँ जोन में होने के बावजूद ये प्रभाग में कहीं और ध्यान नहीं है, और मैं पूरी गलती हरीश राउत साहब की ही बोलूँगा। और यहाँ जो संबंधित अधिकारी है उसकी कहीं ना कहीं मिलीभगत है, हमें ऐसा लग रहा है, उनका कहीं ना कहीं मिलीभगत है। इसलिए ये माल यहाँ से 10 से 12 दिन हो रहा है कंटिन्यू में चोरी होते जा रहा है। यहाँ से नायलॉन की चकरिया गई है, डिस्पोजेबल गए है, प्लास्टिक के ग्लास गए है, प्लास्टिक की पतंगे गई है। यहाँ 87,000 पतंगे रखी गई। अभी आप देखेंगे वो रूम में इतनी 87,000 पतंगे भरी थी, पूरी खाली हो गई। संबंधित अधिकारी पे और हरीश राउत साहब पे इसकी कार्रवाई होनी चाहिए, और इनको जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेना चाहिए। या तो ये यहाँ का माल जला दे, या तो कहीं और डम कर दे, या तो इसकी सिक्योरिटी बढ़ा दे।